कौन सी अच्छी है? डबल चॉकलेट है ना, तो वो कड़वी। चिप्स लेंगे, पिक्चर्स लेंगे और गाने भी हैं। आपके चाइना माल को हम ठीक कर देंगे। चाइना माल ही रहना है, लेकिन ये है कि Assalamualaikum my YouTube family, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, हम सब भी खैरियत से हैं। तो बस आज वीडियो का आगाज यहाँ से हो रहा है कि मैंने आज कराने हैं लेज़र, तो मैं आई हूँ अपने लेज़र करवाने। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। वो लेडीज़ जो वैक्सिंग और थ्रेडिंग से तंग आ गई हैं और लेज़र कराना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि लेज़र बहुत बेस्ट है। एक साल के अंदर मैंने मेरे ख्याल से 3 या 4 सिटिंग्स ली हैं, और उससे मेरे बस चिन पर ही हल्के से हल्के बाल थे, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं लेज़र करा लूँ, तो मैं चिन की ही करवाती हूँ। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मुझे तो बहुत फ़र्क है। और उसके बाद लेज़र कराने के बाद फिर मैंने कहा ग्रॉसरी कर लूँ, क्योंकि मंथ भी नया स्टार्ट होने वाला है, तो फिर हम ग्रॉसरी करने के लिए आ गए। हसन पसंद आई ये वाली? नहीं, मैं तो लेता ही नहीं, मेरे बच्चे खाते हैं। कौन सी अच्छी है? डबल चॉकलेट है ना, तो वो कड़वी ज्यादा लग रही होगी। क्या उतारेगा? एक पैकेट ऊपर वाला, सबसे ऊपर पकड़ लेना। हाँ, मना सुना के जो लूज पैकिंग वाले जो है। हाँ ठीक है, ये बर्गर पैटी, चपटी कबाब नहीं है, यही लास्ट टाइम यही हमने लिया था। चलें बस। नेशनल वालों की अगर आप मायो लो, तो उसके साथ गिफ्ट मिल रहे थे, और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत जो है ना मजे की चीज हो रही थी। और यहाँ पर हसन और जमी कोको के लिए चीजें पसंद करते, जमी ने कहा मैं कोको के लिए लूंगी और उसके खाने के लिए बाउल, और हसन का देखें क्या आया था। एक नहीं नहीं बस चलो, बाउल कोको के लिए चिकन। खुदैस क्या कर रहे हो? क्या अभी हम क्या करने लगे हैं? पार्टी 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 कर रहे हैं। पार्टी में आप क्या खाओगे? स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट वाला और ये वाले पापड़ खाएंगे। पापड़ खाएंगे और दूध पिएंगे और ये। अच्छा, और अभी आप क्या कहे थे पार्टी में हम क्या करेंगे? गाने लगाएंगे, पिक्चर्स लेंगे, पिक्चर्स लेंगे और गाने भी। चलें जनाब, अब जेमल आज आपको बनाना सिखाएगी स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट मिल्क शेक। तो जेमल उसके लिए, जेमल ने लिया एक माइलो और एक लिया कॉम्प्लान का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। तो अब जेमल डालने लगी है दूध के अंदर। चलो ठहरो, मैं पकड़ लेती हूँ। अब जेमल ने एक पैकेट डाल दिया है स्ट्रॉबेरी का, और खुदैस अब क्या डालेगा? चॉकलेट वाला। ये वो सीजर से कट कर लो। खुदैस जो है ना, वो अब माइलो डाल रहा है दूध के अंदर, और आज बच्चे बना रहे हैं मिल्क शेक और उसकी पार्टी करेंगे, और बाद में बच्चों ने मिल्क शेक की क्या करनी है? पार्टी। चलो, माहम की बारी, और अब माहम मिल्क शेक में क्या डालने लगी है? स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रही है। चलो माहम डालो। चलो बस बस, अब आप चॉकलेट सिरप डाल दो इसमें। सिरप जोर से दबाओ। चॉकलेट सिरप के? हाँ, बस 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 बस। आंटी, तो जी आंटी, चॉकलेट सिरप से चॉकलेट सिरप से आइसक्रीम भी बनती है। जी चॉकलेट सिरप से आइसक्रीम भी बनती है, हमारा बच्चा कह रहा है। और अब इस अपने मिल्क शेक को अब हम करेंगे अच्छा सा ब्लेंड,
और बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि बच्चों को शौक पड़े किचन में कुछ ना कुछ बनाने का। नहीं बहुत ज्यादा होगा। आप डेकोरेशन के लिए हमने बहुत बड़े शेफ बुलाए हैं, जमी शाहिद आई हैं, जिन्होंने बच्चों को कह रही है कि आओ मैं तुम लोगों को डेकोरेट करके दूं। एक हाड़ी बना रहा था तो दैस पार्टी शुरू हो गई आपकी। मजा आ रहा है पार्टी। जिमल को आवाज दो ना कि पार्टी शुरू हो गई है। मॉर्निंग एवरीवन। और आज है सैटरडे और जो मौसम है ना वो कुछ ऐसी तरह का ही है कि बादलों के अंदर से जो है ना सूरज थोड़ी थोड़ी चाटियां मार रहा है और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट पर। और फिर डेंटिस्ट पर जाकर आज मैंने कहा अपना डर निकाल ही दूं, अब तो अपना जो है ना दांतों को दिखा ही दूं। तो कुछ दांतों के बारे में मियां साहब से पूछते हैं मेरे दांतों के बारे में। तो ये जनाब मोहतरमा जो है ना ये डॉक्टर के पास जाने से क्यों डरती है पता है? दांत की उन्होंने करनी है जनाब इनकी फिलिंग, ठीक है जी, RCT करानी है इन्होंने, रूट नाल ट्रीटमेंट और उसके बाद फिलिंग होनी है, पर इन्हें डर लगता है बहुत ज्यादा। तो आप जनाब 2-3 डिफरेंट डेंटिस्ट से कंसर्न किया तो वो यही कह रहे हैं जी आपको RCT करवा के फिलिंग करवानी पड़ेगी। तो ये फिर भी नहीं मान रही थी, अब थोड़ी सी तकलीफ बड़ी है बर्दाश्त की है, 4-5 दफा रातों को जागी है, तब इन्हें थोड़ा सा सुकून आ गया कि आप डॉक्टर के पास चली जाऊं। तो आज जा रहे हैं जनाब इनकी RCT और RCT कह रहा था डॉक्टर 3-4 सिटिंग्स होंगी और RCT के बाद वो फिलिंग करेगा इनकी। वो क्या कहे थे आपका चाइना माल को हम ठीक कर देंगे। चाइना माल ही रहना है लेकिन ये है कि डेली वो एटलीस्ट वो थोड़ा सा रिपेयर करके चाइना माल को वापस करने के काबिल बना देगा। चलें जनाब, बड़ी हिम्मत करके मैं अपने डेंटल के पास आ गई और मैंने कहा देख लेते हैं जनाब के क्या होता है दांतों का, कितनी तकलीफ़ होती है, बर्दाश्त होती है कि नहीं होती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दांतों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया हुआ है और आज फर्स्ट सिटिंग थी और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत आराम से, हल्का सा दर्द था लेकिन ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट कर दिया है। 2-3 सिटिंग्स होंगी डॉक्टर साहब के साथ और फिर इंशाल्लाह बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। How are you feeling? आज तो मैंने निकलवाई है, अभी थोड़ी हल्की हल्की दर्द हो रही है, अब दवाई खाती हूँ तो शायद बेहतर हो जाए। पता है डॉक्टर ने ना मुझे जब इंजेक्शन लगाया ना तो डॉक्टर मुझे कहता है कि ना बस ना अभी ना थोड़ी देर ठीक करना, आपकी जुबान और आपके जो होंठ है ना वो सुन्न हो जाएंगे। मैंने तो मैंने जब सुन से बोला मेरे दिमाग में सुपाल से आया, मैंने कहा सुपाल भी सुनो, मैंने बड़े मजे से कहा डॉक्टर साहब मैं बोल तो सकूंगी ना। डॉक्टर आगे से हंसा, कहता जी जी आप बोल सकेंगी, अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला हो जिससे औरतें ना बोल सके तो हमारे बाहर तो लाइन लग जाएगी, हमारी बीवियों को इंजेक्शन लगाए जल्दी जल्दी। मुझे बात इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने बड़े मासूम तरीके से पूछा डॉक्टर साहब मैं बोल तो सकूंगी ना। तो बा इन औरतों को देखिए जी बोलने का कितना खपत है। नहीं वो जुबान थोड़ी देर ना हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसे सुन हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता उसका जब असर जाहिर होगा तो फिर आप वो इसीलिए होता है ना कि पेन होती है तो पेन के लिए उसे वो पहले लेकिन जितना मैं डर रही थी ना उतनी तकलीफ नहीं थी, बस वो थोड़ा सा तो होता ही है डेंटिस्ट के पास कि बाकी हर चीज में आप बेहोश हुए होते हो आपको पता नहीं चलता। डेंटिस्ट ऐसा कि आपको लगता है यार मुंह के अंदर क्या औजार खोल के कर रहे, उससे खौफ था लेकिन जितना मुझे डर था ना उतना कुछ भी नहीं था इतना। चलें होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक सेहत दे। ओके तो चलें जनाब, आज की वीडियो काफी लंबी हो रही है तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं हसन कोट के एक थप्पड़ लगा के जो ये हरकतें कर रहा है तो बस उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो आप मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। अल्लाह हाफिज।